हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 4.2 इन योर मैथ बुक. ओके, नाउ वी एक्सप्लेन एक्सरसाइज 4.2. 4.1 में हमने क्या पढ़े थे? डिजिबिलिटी टेस्ट. आज हम क्या पढ़ेंगे? जितने भी नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, जो नंबर्स के जो टाइप्स होते हैं, आज मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगी. नाउ लेट मी स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? इवन नंबर्स. इवन नंबर्स के बारे में तो आपको मालूम होगा कि जिन नंबर्स, जो नंबर्स की प्लेस, यूनिट प्लेस जो होती है वो 0, 2, 4, 6, 8 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स. अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या होगी? इवन नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. अगर डेफिनेशन में 2 पढ़ेंगे तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है, अगर वो डिविजिबल हो जाते हैं 2 से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स. तो ऑल नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड अ इवन नंबर्स. तो दैट इज अ, इससे क्या मीनिंग निकला आपका? दैट इज नंबर हैविंग 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट प्लेस और कॉल्ड अ इवन नंबर्स. अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 होता है, 2 होता है, 4, 6, 8 अगर ये होता है, तो उस नंबर्स को आप क्या बोल सकते हैं? Is that are called a even numbers. कौन से नंबर्स बोलेंगे उसको? इवन नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने आपको लिखा यहाँ पर 24. ओके, तो यूनिट प्लेस जो स्टार्टिंग का पीछे से बैक से स्टार्ट करेंगे हम, जो लास्ट डिजिट है उसी को हम यूनिट प्लेस बोलते हैं. इज दैट क्लियर? तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 4. दैट इज अ यूनिट प्लेस. तो इस यूनिट प्लेस को आप चेक करेंगे, ये क्या है? इसकी यूनिट प्लेस पे आपका क्या लिखा हुआ? 4. इट मीन्स 24 इज अ इवन नंबर. ओके, जो 24 है वो इवन नंबर है बिकॉज यूनिट प्लेस इज 4. इज दैट क्लियर? तो इस टाइप से आप इसकी यूनिट प्लेस चेक करेंगे. अगर यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 इस टाइप से अगर कोई नंबर्स आते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स बोलेंगे. तो आपको इवन नंबर चेक करने के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसकी जो यूनिट प्लेस है उस पर कौन से नंबर होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए? 0 या फिर 2, 4, 6, 8. अगर इस टाइप से कोई नंबर आता है तो इस दैट इज कॉल्ड अ इवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल 24 इज कॉल्ड अ इवन नंबर. देन 38, बिकॉज यूनिट प्लेस इज 8, तो 30 इज इवन नंबर. एंड 96, चेक इज द यूनिट प्लेस, 6 इज यूनिट प्लेस. ओके, तो 96 ऑल्सो अ इवन नंबर एक्सेट्रा. इस टाइप से हम बहुत सारे इवन नंबर्स क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं. उसकी यूनिट प्लेस पे बस हमको क्या राइट करना है? 0, 2, 4, 6, 8. सपोज मैंने यहाँ राइट कर दिया आपका 5, 3, 0. तो ये इवन नंबर से आपका? यस, बिकॉज इसकी यूनिट प्लेस कितनी है? 0 है, तो देट इज कॉल्ड अ इवन नंबर. ओके, तो इवन नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से समझना है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं. आगे भी आपको, जब आप आगे की क्लास 7th में जाएंगे तो उसमें भी आप पढ़ेंगे. इसमें इवन नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर. दैट इज नंबर हैविंग 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट प्लेस आर कॉल्ड इवन नंबर. एग्जाम्पल 24, 38, 96 एक्सेट्रा. इस प्रकार से आप वैसे भी इसमें एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, ओड नंबर्स. अब जो ऑड नंबर्स होता है, जस्ट इवन नंबर्स का क्या होता है? अपोजिट होता है. तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. अभी मैंने क्या बताया था कि जो ऑड नंबर्स होते हैं वो जस्ट इवन नंबर्स के क्या होंगे? अपोजिट होंगे. तो हम क्या बोलते हैं इवन नंबर्स में? कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. बट ऑड नंबर्स में क्या होगा आपका? जब आप ऑड नंबर्स की डेफिनेशन देखेंगे तो ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड ऑड नंबर्स. मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल न हो, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल न हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स बोलेंगे. दैट इज अ नंबर हैविंग 1, 3, 5, 7, 9 एट यूनिट प्लेस और कॉल्ड ऑड नंबर. अगर किसी भी नंबर्स की यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 अगर ये आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स. ओके, वी विल चेक 21 इज अ ऑड नंबर.
numbers because unit place is 1. Okay. 33, 33 also odd number because unit place is 3. And 45, 45 is odd number. 57 is odd number. 69 is odd number. ऐसे हम बहुत सारे इसके एग्जाम्पल सपोज मैंने लिख दिया 5, 3, 1 चेक ओनली यूनिट प्लेस. आपको मालूम है जो लास्ट डिजिट होता है वही क्या होती है यूनिट प्लेस होती है. तो वी चेक यूनिट प्लेस इज 1 दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर्स. मैंने यहाँ पर इस नंबर पे सपोज मैंने लिख दिया 2, 4 and then 3. ओके दिस इज कॉल्ड ऑड नंबर्स. यस इट इज ऑड नंबर बिकॉज इसकी यूनिट प्लेस जो क्या है 3 है. तो ये 243 जो पूरा नंबर है वो आपका क्या कहलाएगा ऑड नंबर. तो इज दैट क्लियर. आई थिंक मतलब आपको इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी. ओके तो ये आपका इवन नंबर्स था, ये आपका ऑड नंबर्स आपने पढ़ा कि ऑड नंबर की डेफिनेशन जस्ट इवन नंबर्स की क्या होगी अपोजिट होगी. अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. आपने इसके पहले वाले में जब डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाई थी उसी में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या होते हैं प्राइम नंबर्स. नेचुरल नंबर अदर देन वन मतलब वन के अलावा जो भी नेचुरल नंबर है. आपको ये मालूम है कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं. 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे अनलिमिटेड नंबर हम काउंटिंग कर सकते हैं. पर नेचुरल नंबर अदर देन वन मतलब वन के अलावा, तो वन के अलावा कहाँ से स्टार्ट होगा वो 2 से. कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से. विच इज ओनली 2 फैक्टर्स वन एंड द नंबर इट्स देयर. अगर ऐसा नेचुरल नंबर वन के अलावा जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, एक तो वन खुद हो और एक वो जो नंबर्स है वो हो, दिस कॉल्ड अ प्राइम नंबर. मतलब प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होगी. प्राइम नंबर इज अ दैट नंबर इट इज डिविजिबल बाय इट्स सेल्फ. अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आप प्राइम नंबर इज अ नंबर इज कॉल्ड डिविजिबल बाय इट्स सेल्फ. मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल से ही डिवाइड होते हैं. अगर सिंपल आप समझना चाहें सपोज मैंने लिया आपका 5, ठीक है. अब 5 किसी और की टेबल में आता है क्या? नहीं आता. ओनली किसकी टेबल में आता है 5 से. तो 5 नंबर 5 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय इट्स सेल्फ. मतलब वो खुद की टेबल से ही आपका डिवाइड होता है. ओके तो उन्होंने भी ये बोला है कि नेचुरल नंबर अदर देन 1 व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इट्स सेल्फ. मतलब ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और इट्स सेल्फ मतलब खुद से भी डिवाइड हो जाएगा. मतलब इसके कितने फैक्टर हो गए आपके 2. एक तो 1 हो गया क्योंकि 1 से तो कोई सभी नंबर सभी और नंबर डिविजिबल बाय 1. ओके तो 1 एक तो फैक्टर हो गया और एक क्या हो गया 5. 5 मतलब जिसकी टेबल है जिसके नंबर्स के बारे में बात कर रहे हो वो तो अपने इससे डिवाइड होना ही है. तो 1 एंड 5. तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है कि नेचुरल नंबर अदर देन 1 व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ. तो 1 और एक नंबर जिससे डिवाइड करना वो खुद इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. तो 1 एंड 5 इज 2 फैक्टर्स होगा उसके 1 एंड 5. तो 5 इज अ प्राइम नंबर. ओके इस टाइप से आप बहुत सारे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आकर खुद से भी विजिबल होते हैं. तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है आपको 2 से. 1 से स्टार्ट नहीं करना. कहाँ से स्टार्ट करना है 1 से नहीं क्योंकि 1 तो ऐसा नंबर है जो हर नंबर से डिविजिबल होता है. ओके तो 2 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 2 इज डिविजन बाय 2 एंड 3 इज अ प्राइम नंबर. 5 इज अ प्राइम नंबर. 7 इज अ प्राइम नंबर. 11 इज अ प्राइम नंबर. 13 इज अ प्राइम नंबर. इस टाइप से आगे 13 के बाद क्या आता है 14 15 प्राइम नंबर नहीं है. उसके बाद 16 भी नहीं है. फिर क्या आएगा आपका 17. 17 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. एंड 19. 19 इज ऑल्सो प्राइम नंबर क्योंकि 17 19 सिर्फ खुद की टेबल से डिविजिबल है बाकी किसी टेबल से डिविजिबल नहीं है. इस टाइप से एक्सेट्राम कितने भी नंबर्स क्या कर सकते हैं राइट कर सकते हैं. ओके तो ये हमारी प्राइम नंबर की डेफिनेशन हो गई. आपको सिंपल प्राइम नंबर की डेफिनेशन अ नंबर डिविजिबल बाय इट्स सेल्फ. इस टाइप से हम कितने भी प्राइम नंबर्स क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कंपोजिट नंबर. ओके कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. जैसे आप नेचुरल प्राइम नंबर में क्या बोलते हो आप कि ओनली 2 फैक्टर्स है. कितने फैक्टर्स है ओनली 2 फैक्टर. तो कंपोजिट नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका अपोजिट हो जाएगा. और नेचुरल नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर मतलब हर डेफिनेशन एक दूसरे के अपोजिट जा रही है. जैसे इसमें सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स है तो इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब 2 फैक्टर्स है जिसमें ज्यादा होंगे उसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे कंपोजिट नंबर. कौन सा बोलेंगे हम
कंपोजिट नंबर्स जैसे टू वन और टू तो ले लेंगे क्योंकि वन ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, बट स्टार्ट करेंगे फोर, फोर इज अ कंपोजिट नंबर क्योंकि फोर फोर की टेबल के अलावा टू की टेबल में भी आते हैं, सिक्स 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 की टेबल के अलावा थ्री की टेबल टू की टेबल, एट एट भी दूसरी टेबल में आते हैं टू में आता है फोर में आता है और एट में आता है, मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं वो दूसरी टेबल्स में भी आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि इसके टू से ज्यादा फैक्टर। ओके, टू फैक्टर किसके होंगे जो सिर्फ अपनी टेबल में आ रहा है उसके ऑनली टू फैक्टर होंगे, जो उसके अलावा किसी वो फैक्टर टेबल में आएगा उसके टू से क्या हो जाएंगे ज्यादा फैक्टर, फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ये सब कैसे नंबर है कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके टू फैक्टर से ज्यादा होते हैं, ये अपनी टेबल के अलावा किसी दूसरी टेबल्स में भी आते हैं। ओके, ये पूरा आपको राइट करना है अपनी कॉपी में। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ को प्राइम नंबर, आपका लास्ट जो टॉपिक है को प्राइम नंबर है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्राइम नंबर तो आपको पता है कि जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अब को प्राइम, को से लगा है को प्राइम नंबर मतलब ग्रुप, टू नंबर्स का ग्रुप, जैसे मैंने सपोज किया लिख दिया टू एंड थ्री, क्या लिख दिया मैंने ये टू एंड थ्री। अब ये टू एंड थ्री को प्राइम नंबर में टू नंबर्स होना जरूरी है, कितने नंबर्स होना जरूरी है टू नंबर्स, अगर इसमें कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा मतलब ना टू थ्री से डिविजिबल है ना थ्री टू से डिविजिबल है, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर ऑनली क्या है वन, ऑनली फैक्टर क्या है इसका वन, क्योंकि वन टू से डिविजिबल है वन थ्री से भी डिविजिबल है। तो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं कि टू नंबर्स हैविंग ओनली वन इज कॉमन फैक्टर और कॉल्ड अ को प्राइम नंबर, मतलब टू नंबर्स आपको लेने हैं अगर उनका कॉमन फैक्टर ऑनली वन निकलता है तो उसको आप क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर। मैं आपको डेफिनेशन डिक्टेट कर देती हूँ आप राइट कर सकते हैं, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर और कॉल्ड अ को प्राइम नंबर। ओके, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, फिर से आप लिख सकते हैं को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड अ को प्राइम नंबर। इस टाइप से हम बहुत सारे नंबर इसमें देख सकते हैं, सपोज मैंने लिख दिया थ्री एंड फोर तो इसका भी कॉमन फैक्टर क्या होगा वन ही होगा क्योंकि थ्री ओनली थ्री की टेबल में आता है, फोर टू पे भी आता है, पर थ्री और फोर एक दूसरे की टेबल में नहीं आते। और भी ऐसे नंबर्स है जैसे मैंने लिख दिया फोर एंड नाइन, ये भी एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, बहुत सारे ऐसे डिजिट आप लिख सकते हैं जो को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है कि न टू थ्री की टेबल में आता है न थ्री टू की, थ्री फोर की टेबल में नहीं आता फोर थ्री की नहीं आता है, फोर नाइन की टेबल में नहीं आता है नाइन फोर की टेबल में नहीं आता है, तो ऐसे जितने भी पेयर्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ओके, इस टाइप से नंबर को हम क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर एक्सेट्रा, ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जितने भी टू प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑलवेज को प्राइम नंबर्स होते हैं। टू प्राइम नंबर्स मतलब मैंने लिख दिया जैसे टू और थ्री प्राइम नंबर ही है, फाइव और सेवन प्राइम नंबर है, टू अगर प्राइम नंबर लेंगे तो हमेशा को प्राइम ही लिख लेंगे, पर आपको जरूरी नहीं कि को प्राइम ये नॉट वो प्राइम, मतलब ये जरूरी नहीं कि अगर दो को प्राइम लें तो वो प्राइम नंबर हो, जैसे मैंने ये लिया ये को प्राइम है पर ये फोर प्राइम नंबर नहीं है तो ये इसका अपोजिट करेक्ट नहीं है, पर टू प्राइम नंबर ऑलवेज अ को प्राइम नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। और उसमें कुछ चीज रिमेम्बर करने वाली भी है कि सबसे पहले वन जो है वन ना प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट, ये आपको रिमेम्बर रखना है या आप कहीं नोट भी कर सकते हैं, मैं यहां पर राइट कर देती हूँ नोट करने के लिए आपके लिए कि वन नॉट अ नंबर वन इज
नाइदर, ये आगे तक आगे की क्लास में भी आपको याद रखना है कि वन जैसा नंबर है ना ही वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ना वन प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, फर्स्ट थी एल, सेकेंड थी टू इज लोएस्ट, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। टू कैसा है आपका? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो है बट सबसे छोटा प्राइम नंबर है। टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आपसे पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो आप बता सकते हैं टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। उसके बाद टू के लिए एक और कंडीशन है कि टू इज द ओनली इवन नंबर, ये इवन नंबर ही है। टू कैसा है? ओनली इवन प्राइम नंबर। टू ये कैसा इवन प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी इवन नंबर है प्राइम नंबर नहीं है, वो सब कैसे है? कंपोजिट नंबर है। कैसे नंबर है? कंपोजिट नंबर। तो द नंबर वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब वन ना तो प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। ओके, और टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हम प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट करते हैं? टू से स्टार्ट करते हैं, टू टू थ्री फाइव सेवन नाइन, तो टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और उसके बाद टू के लिए एक और चीज है कि टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। टू कैसा नंबर? इवन नंबर भी है, तो इवन प्राइम नंबर है और बाकी जितने भी इवन नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। ऑल इवन नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जैसे टू के बाद मैंने लिखा टू फोर सिक्स एट टेन, तो टू कैसा नंबर है? इवन नंबर के साथ तो प्राइम भी है बट फोर सिक्स एट ये प्राइम नंबर थोड़ी है। क्यों नहीं? क्योंकि फोर तो दूसरी नंबर से भी डिविजिबल है, सिक्स भी डिविजिबल है, ये इवन नंबर्स तो है पर ये कैसे नंबर्स है? कंपोजिट नंबर। तो ये दो तीन जो पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किए हैं, आई होप कि आप सभी को अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे जो टॉपिक में मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक्स।